नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब वो ठीक हो चुके हैं। कुछ ही दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन ये खबर गलत है। खुद अमिताभ बच्चन ने इस खबर का खंडन किया है और ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है कि जो खबर फैलाई जा रही है ये फेक न्यूज़ है। अभी मेरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और अभी अस्पताल से मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर इन खबरों पर विराम लगा दिया है। अमिताभ इस समय मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट हैं। खबर आई कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अब 2-3 दिनों में बिग बी घर लौट सकते हैं। हालांकि बिग बी ने खुद ट्वीट कर इसे गलत बताया। उन्होंने लिखा कि ये खबर गलत, गैर जिम्मेदार, फर्जी और गंभीर झूठ है। बता दें कि 11 जुलाई को देर रात अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ मुंबई के नानावती अस्पताल पहुंचे थे। उस वक्त अभिषेक बच्चन को हल्का बुखार था और अमिताभ बच्चन सांस की समस्या का सामना कर रहे थे। दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें पहले अमिताभ और फिर अभिषेक बच्चन पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। इन दोनों के बाद 12 जुलाई को अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या को भी पॉजिटिव पाया गया। पहले कुछ दिन दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया क्योंकि दोनों में कोरोना के लक्षण नहीं थे। इसके बाद ऐश्वर्या में हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्हें और आराध्या को भी नानावती में भर्ती करा दिया गया है। अमिताभ बच्चन लगातार ट्वीट की मदद से अपने फैंस से जुड़े हुए हैं और उन्हें दुआ करने के लिए शुक्रिया भी कह रहे हैं। फैंस पूरे मन से महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। कई फैंस ने अपने घर और एरिया में पूजा का आयोजन भी किया था। देश भर के लोग अमिताभ के जल्द ठीक होने की आस लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस से पॉजिटिव अमिताभ बच्चन पाए गए तो उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने बताया कि अभी मेरा रिपोर्ट सामने आ गया है जो पॉजिटिव है। अब मेरे साथ रह रहे लोग यानी कि अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और साथ साथ आराध्या का भी रिपोर्ट टेस्ट जो है वो किया गया है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके बाद एक एक करके ट्वीट कर करके वो जानकारी अपने फैंस को दे रहे थे, बता रहे थे। और जब उनका कंडीशन थोड़ा सा ठीक हुआ, जब वो अच्छा फील करने लगे, तो हर बार ट्विटर के जरिए उन्होंने जो है लोगों को जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने आभार भी व्यक्त किया अपने फैंस का, जो फैंस उनके लिए पूजा कर रहे थे, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे थे, ये कामना कर रहे थे कि जल्द से जल्द बिग बी ठीक होकर वापस लौट आए। तो ट्वीट के जरिए उन्होंने उनका आभार भी जताया था। और इस बार अमिताभ बच्चन को लेकर जो झूठी खबर फैली उसका भी खंडन अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के जरिए ही किया है। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि ये खबर झूठी है। हालांकि बिग बी की जो सेहत है वो काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुकी है और हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद या फिर कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएं और वापस घर लौट आएं, लेकिन फिलहाल जो खबर ये चल रही है कि वो ठीक हो चुके हैं वो गलत है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।